देखिए ऐसा है कि आप जिस माध्यम से अपन इकट्ठे हुए हैं यहाँ मीडिया को साथ में लेके, देश के किसी गली कोने में कोई भी बात होती है तो वो देश के कोने कोने तक पहुँचाई जाती है। ऐसे ही इवेंट महीने में बापू के दो हुआ करते हैं जो 18 दिन तक चलते हैं, 9-9 दिन। ये नाथद्वारा में होने जा रहा है तो मैंने सोचा कि इस इवेंट को क्यों न हिंदुस्तान भर के सभी प्रांतों में, सभी जगह में, देश की सरहद को तोड़ते हुए बाहर तक ये संदेश पहुँचे, क्योंकि ये कोई परंपरावाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं, कोई पंथवाद नहीं है। ये सबसे परे हटकर एक इंसान को इंसान से जोड़ने की बात है, तो इस बात को फैलाना चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप सब लोगों का सहारा लेकर चाहते हैं कि ये देश विदेश में ये बात पहुँचे। बहुत एक्साइटेड हूँ कि बापू जी के सामने कुछ चीज़ें गुनगुनाने का मौका मिल रहा है मुझे, और कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल हैं और कुछ मेरी बहुत, जो मुझे लगता है मेरी रूह के बहुत करीब हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलाम में सुनाऊंगी, जिसमें से एक है खुदा वही है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, डेफिनेटली पीपल विल लव एंड बापू जी विल ऑल्सो लव दैट सॉन्ग। एंड अमीर खुसरो का कलाम है, छाप तिलक सच्चे नीरे, बहुत सारा है। मैं खुद भी एक कृष्णा डिवोटी हूँ एंड आई रियली लव कृष्णा, और ये एक फेस्टिवल ऐसा है जो हर एक आर्ट लवर्स के लिए और जितने भी भक्त हैं कृष्णा के उनके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रीट है, एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल ऑल्सो माई सेल्फ। नाथद्वारा देखिए जो बहुत ही बड़ा उत्सव है, उस उत्सव का जो आयोजन है, संयोजन है, वो हमारे मदन जी कर रहे हैं, और मदन जी के साथ हमारे पुराने संबंध हैं। हम बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि एक बार गा चुके हैं इनकी धरती पर। इनकी धरती ऐसी है, आप विश्वास करें या ना करें, कहते हैं ना जंगल में मंगल, तो वो वहाँ पर स्थापित किया हुआ है इन्होंने जेन्युइनली। मतलब जो स्टेट ऑफ द आर्ट का स्टूडियो यहाँ होता है मुंबई में, वहाँ है गांव में, उड़न गांव का नाम है, और आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है मदन जी का खुद का, उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया हुआ है क्रिकेट का, जिसमें हमारे सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। ये शो भी वहीं होने वाला है, मुरारी बापू जी की कथा होगी वहाँ पर। कथा का पहले रसपान कीजिए, पहले तो अध्यात्म का रस लूटिए, उसके बाद संस्कृति का रस लूटिए, गायकी का। स्पिरिचुअल बातें हो रही हैं और उसके साथ अगर एंटरटेनमेंट जुड़ा हुआ, मेरे ख्याल से हर क्रिएशन कहीं तो स्पिरिचुअलिज्म की ओर जाके ख़त्म हो जाती, तो अच्छा है। मैं अर्ली इन माय लाइफ मैं जाके मिल रहा हूँ और उसका अनुभव लूँगा।